हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए ग्रहण का वीडियो लेकर। तो फ्रेंड्स, ग्रहण शुरू हो चुका है, सब लोग अपने कमरे में पैक हो गए होंगे और जो जो मैंने वीडियोस में सावधानियां बताई थी वो भी आप रख रहे होंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ग्रहण जैसे ही खत्म होता है तो आपको फिर उसके बाद क्या क्या करना है, ठीक है, जिससे कि अगर ग्रहण के दौरान आपसे छोटी मोटी कोई भी गलती हो जाती है तो उसका असर आपके जीवन पर, आपके बच्चे पर किसी भी तरीके से ना पड़े, ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो आप सभी के लिए हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो घंटी है उसको भी जरूर दबाएं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं, ग्रहण जैसे ही खत्म होता है आपको कमरे से अपने बाहर निकलना है और आपको नहाना है, ठीक है। सबसे पहले आप नहा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मियों का टाइम है, इतनी जून की कड़ाके वाली गर्मी है, तो आप कमरे से निकल के सीधा बाथरूम में जाइए। जो आपने कपड़े पहने हुए हैं उनको बिना धुले ऐसे साइड में रख दीजिए, अगर धोना चाहती है तो धोकर उनको आप रख सकती है। नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए, फिर आप मंदिर में जाइए, मंदिर में पूजा पाठ कीजिए और जो मंदिर में गंगा जल है या मंदिर में जो जल रखा हुआ था उसको आपको लेकर पूरे घर में अपने छिड़क देना है। अगर चाहे तो आप साफ सफाई कर सकती हैं, लेकिन इतना टाइम है और प्रेगनेंसी में इतनी एनर्जी वैसे भी नहीं होती है कि हम शाम को फिर पूरे घर की साफ सफाई करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप क्या करें, मंदिर का जल लें या गंगा जल अगर आपके घर में है तो वो लें और पूरे घर में गंगा जल आप छिड़क दें, एक एक कोने में आपको गंगा जल छिड़क देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो नारियल आपने रख रखा था तो उसको क्या करना होता है, उसको विसर्जित करना होता है या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रखना होता है। तो अभी शाम हो गई है, अभी जरूरत नहीं है कि आप हाल में ही उस नारियल को विसर्जित करें या पीपल के पेड़ के नीचे रखें या आप खुद ही रखें, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट डे उस नारियल को मॉर्निंग में आप किसी से भी पीपल के नीचे रखवा सकती हैं या फिर आप उसको विसर्जित करवा सकती है ऐसे कुएं में या बहते हुए पानी में। आप नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, आपको वैसे घर से नहीं निकलना चाहिए इस टाइम पे ज़्यादा, तो आप कोई भी फैमिली मेंबर से उस नारियल को विसर्जित या फिर पीपल के नीचे रखवा सकते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, कि आपको मंदिर में दान जरूर करना चाहिए। अब इवनिंग हो गई है तो अभी तो मंदिर में आप नहीं जा सकते, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप मंदिर में दान कर सकते हैं अगर आपके आसपास के मंदिर खुले हुए हैं तो। अगर नहीं खुले हुए हैं तो फिर आप किसी भी गरीब को कुछ आटा, दाल, चावल, गुड़ वगैरह देके उसमें कुछ पैसे रखकर आप दान दे सकते हैं, या फिर पॉसिबल हो तो आप कुछ खाना पीना बना के भी खाना पीना भी दान कर सकते हैं। किसी भी गरीब को, भूखे को भोजन कराना ग्रहण के बाद बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपके हाथ से ऐसा होगा तो ये तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको भी मन में शांति मिलेगी और ग्रहण के दौरान कोई भी गलती हो जाती है तो पहली बात आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ना ही उस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लेना है। हो गई थोड़ी बड़ी चूक, थोड़ी बड़ी गलती आपने कर दी, कुछ यूज़ कर लिया, कुछ काट पीट लिया, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने भगवान से प्रे कीजिए। हमेशा आप पॉजिटिव सोचेंगे ना तो उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है, कहते हैं ना अच्छा अच्छा जितना ज़्यादा सोचते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको अच्छा अच्छा सोचना है, कोई भी नेगेटिव बात अपने मन में नहीं लाना है, ठीक है, और टेंशन नहीं लेनी है। आगे जो भी ग्रहण पड़ेगा उसका वीडियो भी आपको टाइम टाइम पर मिलता रहेगा, आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए, पूरी टेंशन मेरे ऊपर डाल दीजिए। जितने भी प्रेगनेंसी केयर से रिलेटेड वीडियो हैं वो सब आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं जल्दी से नीचे चेक कर लीजिए जो रेड कलर का बटन है वो ग्रे हुआ है या नहीं, पास में जो वीडियो उसको भी जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।